युद्ध भूमि में जब कर्ण घायल होकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था, उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपका दानवीर कर्ण ऐसा होकर मौत का इंतजार कर रहा है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण को उसकी वीरता और दानवीर होने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस बात को सुनकर अर्जुन बोले कि वो सबसे बड़ा दानवीर कैसे हो सकता है। इस बात को साबित करने के लिए कृष्ण भगवान ब्राह्मण के वेश में पहुंचे और कर्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास पहुंचे थे। इस पर कर्ण ने उनसे वहां आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि मैं आपसे कुछ दान मांगने आया था, लेकिन आपकी हालत देखकर अब कुछ नहीं मांगना चाहता, क्योंकि आप इस हालत में क्या दे सकेंगे। कर्ण ने कहा, आप जो भी मांगेंगे वह देने को तैयार है। ब्राह्मण ने सोना मांगा तो कर्ण ने कहा कि सोना उनके दांत में है और वह इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा कि वह इतना कायर नहीं कि कर्ण के दांत तोड़ दे। तब कर्ण ने पास में पड़े पत्थर से अपना दांत तोड़ दिया। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से मना कर दिया कि यह अपवित्र है। इसके बाद कर्ण ने घायल अवस्था में भी धनुष उठाया और आसमान की तरफ चलाया। बारिश होने लगी और दांत धुल गए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा तो कर्ण ने 3 वरदान मांगे थे। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान श्री कृष्ण के अगले जन्म में उनके वर्ग के लोगों के कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म अपने राज्य में लेने को मांगा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया था। यहाँ कर्ण एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ना ही आपका धर्म है, और आप कोई और कार्य करते हैं तो पूरी निष्ठा के साथ करना ही आपका धर्म है।